अब देख रहे हैं 28 जनवरी का मैच ही है, दूसरा दिन। मुझे सब लोग बताओ आज सीपीयू किस किस ने रिवोल्व किया, बताइए सैमसंग वाला, यस सर, आईफोन लेकर वाला, यस सर, ठीक है। कुछ लोगों ने आईफोन का भी किया ना, आईफोन A8, ये देखो कौन कौन ने किया, यहाँ पर भाई जिन जिन को मिला, बाकी ले लेना सर से। आईफोन A8 का सीपीयू रिवोल्व किया है सेकेंड डे, यूनिवर्सल कोई स्टेंसिल नहीं के हाथ में, यूनिवर्सल स्टेंसिल से किस किस ने रिवोल्व किया बताइए, मुझे बताओ। डायबिटीज की क्लास कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया। एक्चुअली यहाँ पे देवरत्न सर थोरी पढ़ाते हैं, तो थोरी पढ़ाते पढ़ाते हमारा तो प्रैक्टिकल ही आधा हो जाता है वहीं पे, उसके बाद लैब में जो भी करते हैं तो इजीली कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला है। मैं कश्मीर से यहाँ आया हूँ, मैंने सोचा कि शायद पैसे ज़ाया मत होंगे, टाइम बर्बाद मत होगा, लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस इंस्टीट्यूट के यहाँ पे मौका मिल रहा है सीखने के लिए। मैंने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री ले रखी है, लेकिन मैं अधूरा लग रहा था, खुद को अधूरापन दिख रहा था, तो अभी माशाल्लाह ठीक लग रहा है सब कुछ। तो आपका जो डिसीजन था, कश्मीर से आया हो, बहुत दूर से आए हो, है ना, बहुत मुश्किलों से आया हो यहाँ पर, तो जो आपका डिसीजन था, तो वो डिसीजन आपको सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल सही। महाराष्ट्र से निलेश, कंपोनेंट की जानकारी अच्छे से दी, और मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि CPU भी रिवॉल्व किया मेरे से आपने, और वो भी आईफोन का। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, थोड़ा प्रो लेवल का। CPU रिवॉल्व कौन सा किया आपने और कौन सी स्टेंसिल से किया? यूनिवर्सल, डबल यूनिवर्सल, आईफोन का रिवॉल्व यूनिवर्सल से किया आपने, आईफोन का रिवॉल्व, ठीक है। ये झूठ सही बोल रहे हैं कि झूठ? यस सर, यस सर, सही बोल रहे हैं। किसने किया बताओ? मैंने किया सर। बहुत बढ़िया क्लास है, कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट इज द कैट क्लियर, ऑल क्लियर है, ऑल क्लियर सर। कुछ नहीं समझ रहा है तो बहुत बार समझा भी रहे, कुछ प्रॉब्लम नहीं, और सब पीसीबी का पूरा कंपोनेंट का नॉलेज भी अच्छे से। अभी मैं कोई से भी पीसीबी का कोई सा भी कंपोनेंट आपको उठा के दे दूं तो आप उसकी रीडिंग ले पाओगे कि आराम से ले पाएंगे? क्या काम कर रहा है पीसीबी में बैठ के, क्या काम कर रहा है मालूम है कि नहीं? वर्किंग टेस्टिंग सब पूरा बोल देंगे। यहाँ आने से पहले लगता था कि मोबाइल बहुत हार्ड होता है रिपेयरिंग करने में, यहाँ एक बात सके नहीं पता चल गया मोबाइल कोई हार्ड नहीं थे, लेकिन नॉलेज की जरूरत थी जो यहाँ के मिली है। पर बहुत बढ़िया है, पहली बार आज आईफोन का CPU रिवॉल्व किया, वो भी यूनिवर्सल में। हम जी जी बोलिए। मैं मतलब रिवॉल्विंग करने में मुझको बहुत डर लगता था, आज सर ने जहाँ भी गलती होता था सर आप खुद बैठ के मेरे सामने आपने रिवॉल्विंग कराया, मेरा सारा डाउट क्लियर हो गया। एक नंबर सर, बहुत अच्छा क्लास था, यहाँ के टीचरों का सिखाने का बताने का तरीका बहुत अच्छा, आपको जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होता तब तक बताएंगे आपको हर एक तरीके से, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। और ये उम्मीद नहीं थी, कल भी बोला था कि ये उम्मीद नहीं थी जितना सीख के जाएंगे, ये हमको पता है, यहाँ जाने के बाद पूरे मोबाइल इंजीनियर बन के ही जाएंगे। सर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, मैं अपने घर वालों को यही बोलूँगा कि जो उन्होंने मेरे को मतलब आगे मतलब आगे भरोसे में आपने पहुँचाया था उनको, हर चीज़ भरोसे पहुँचाया था आगे बढ़ने की, मेरे को एक मेरा साथ दिए वो कि नहीं आप जाओ करो करके इस चीज़ को सीख के आओ, उसके बाद फिर आगे और तरक्की करो। और तो तरक्की के रास्ते में आगे बढ़ते दिख रहे कि नहीं दिख रहा आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, वो सब तरक्की के रास्ते आगे बढ़ते हुए दिख ही रहे, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सीढ़ी नीचे उतर, ऐसा लग रही सीढ़ी चढ़ते ही जा रहे क्या किस पे। चलिए हिमांशु सर, यहाँ पे इंजीनियर लैंग्वेज की इतनी आसान भाषा में बताते हैं कि आदमी सोच भी नहीं सकता है, जो जिस लेवल का यहाँ पे नॉलेज हमें दी जाती है इतनी सरल भाषा में कि आप उसे सोच भी नहीं सकते हैं। तो बताइए, दो दिन में बहुत कुछ सीखने को मिला सर, और जो इंसान होंडा नहीं चलाना जानता था उसको बुलेट समाधि ला दी। अच्छा, तो वो भी चला ली, चला ली वो भी। अब तो होंडा और ये सब वैसे ही लगती भाई, आईफोन की जो रिकॉलिंग करवा दी तो बहुत खुशी हो रही है। क्या ऐसा सर, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा सर, जब आए थे ये सोचा नहीं था कि हमें इतने ऊँचे लेवल पर जाएंगे सर, अब जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो हाई लेवल चला गया। इस वीडियो के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ, अगर कोई भी भाई अगर ऑनलाइन करता है तो छोड़ दे, सीधा यहाँ है एशिया टेलीकॉम जबलपुर, वो भी बिना सोचे समझे, यहाँ जो भी आपको चाहिए यहाँ मिलेगा, ऑनलाइन में पैसे बर्बाद मत करो भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने ऑनलाइन किया है, इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, इधर सेमेस्ट्री खोलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उसी में दिन रात उलझे रहते हैं, बस यहाँ आइए सीखिए अच्छे से। थ्योरी वाला ज्ञान समझ में आता है कि प्रैक्टिकल वाला समझ में आता है तुमको? प्रैक्टिकल लाइव प्रैक्टिकल जरूरी है सर, बिना प्रैक्टिकल कोई फायदा नहीं है। अगर कोई ऑनलाइन आपको समझा रहा बैठा के वहाँ कुछ समझ में आएगा आपको? कुछ अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो
क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं।
लेने लगता था बहुत हार्ड है, लेकिन यहाँ जो आपने तरीका बताया ना उसके आधार पर तो ये कुछ भी नहीं है। सर ये आपकी एग्जांपल तो बहुत बढ़िया समझ में, बहुत बढ़िया समझ में आती है, पढ़ाने का तरीका सबसे बेस्ट है। अच्छा ये बताइए मेरे को कि आपकी दोपहर में क्लास किनके साथ थी? बहुत बढ़िया क्लास है, कंपोनेंट ऑल कंपोनेंट इज द कैट क्लियर, ऑल क्लियर है, ऑल क्लियर सर। कोई कोई इसमें कोई रीडिंग में नहीं सर, किसी में प्रॉब्लम नहीं, सीरियस पैरेलल जो भी चेक करना सब। ठीक है मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, बताइए। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जब कुछ नहीं समझ रहा है तो बहुत बार समझा भी रहे, कुछ प्रॉब्लम नहीं, और सब पीसीबी का पूरा कंपोनेंट का नॉलेज भी अच्छे से। अभी मैं कोई से भी पीसीबी का कोई सा भी कंपोनेंट आपको उठा के दे दूं तो आप उसकी रीडिंग ले पाओगे कि आराम से ले पाएंगे? क्या काम कर रहा है पीसीबी में बैठ के, क्या काम कर रहा है मालूम है कि नहीं? वर्किंग टेस्टिंग सब पूरा बोल देंगे। यहाँ आने से पहले लगता था कि मोबाइल बहुत हार्ड होता है रिपेयरिंग करने में, यहाँ एक बात सेकेंड नहीं पता चल गया मोबाइल कोई हार्ड नहीं थे, लेकिन कि नॉलेज की जरूरत थी जो यहाँ के मिली है। सर बहुत बढ़िया है, पहली बार आज आईफोन का सीपीयू रिबोल किया जो भी यूनिवर्सल में। हम जी कैसा? बहुत बढ़िया सर जी, बताइए। सर महाराष्ट्र से नीलेश, कंपोनेंट की जानकारी अच्छे से दी और मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि सीपीयू भी रिवॉल्व किया मेरे से आपने, और वो भी आईफोन का। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, थोड़ा प्रो लेवल का। बोला ही नहीं था, बोला था आपको। मेरा नाम अर्जुन सहने है जी। अर्जुन बोलिए। मैं मतलब रिवॉल्विंग करने में मुझको बहुत डर लगता था, आज सर ने जहाँ भी गलती होता था सर आप खुद बैठ के मेरा सामने आपने रिबॉलिंग कराया, मेरा सारा डाउट क्लियर हो गया अभी यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यूनिवर्सल स्टेंसिल से कोई भी सीपीयू आप रिवॉल्व कर सकते हो, जो आप ओके सर एकदम आपके स्टेंसिल में जो भी सीपीयू आ जाएगा उसको रिवॉल्व कर सकते हैं, वो चाहे सीपीयू एंड्रॉइड का हो या आईफोन का। आईफोन का जी सर। आपने क्या आईफोन का सीपीयू? हाँ सर, 10 बार किया। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है बताइए। सर आपका एक नंबर सर, बहुत अच्छा क्लास था, यहाँ के टीचरों का सिखाने का बताने का तरीका बहुत अच्छा, आपको जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होता तब तक बताएंगे आपको हर एक तरीके से, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। और ये उम्मीद नहीं थी, कल भी बोला था कि ये उम्मीद नहीं थी जितना सीख के जाएंगे, ये हमको पता है, यहाँ जाने के बाद पूरे मोबाइल इंजीनियर बन के ही जाएंगे। नहीं तो ये बताइए मेरे को कि हमारी 2 दिन की क्लास थी, 2 दिन की क्लास का क्या फीडबैक रहा आपका? बहुत अच्छा सर, किसी भी कंपोनेंट 2 दिन से चल रहे हैं, कंपोनेंट आईसी रिवॉल्विंग सर कोई भी दे, कोई भी कंपोनेंट देख के हम बता सकते हैं कि ये कौन सा है और इसका काम क्या है, किस लिए लगा गया है। डीपली नॉलेज मिलता है कि जी सर? डीपली से डीपली, एंडलेस एंडलेस यस सर, लास्ट तक के इसका काम क्या है। ठीक है मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, मुस्तफा कहाँ से भाई? सर बिलासपुर। बिलासपुर से। घर वाले देख रहे हैं आपको लाइव, क्या बोलेंगे घर वालों को आप? सर आप यहाँ पे इतनी दूर है बिलासपुर से, बहुत दूर आए हैं यहाँ पर जी, है ना? और यहाँ के क्या रिस्पांस रहा आपका 2 दिन का? सर बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है, मैं अपने घर वालों को यही बोलूँगा कि जो उन्होंने मेरे को मतलब आगे भरोसे में आपने पहुँचाया था उनको, हर चीज़ भरोसे पहुँचाया था आगे बढ़ने की, मेरे को एक मेरा साथ दिए वो कि नहीं आप जाओ करो करके इस चीज़ को सीख के आओ, उसके बाद फिर आगे और तरक्की करो। और तो तरक्की के रास्ते में आगे बढ़ते दिख रहे कि दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, वो सब तरक्की के रास्ते आगे बढ़ते हुए दिख ही रहे, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सीढ़ी नीचे उतर रहा है, ऐसा लग रहा है सीढ़ी चढ़ते ही जा रहे हैं क्या किस पे। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है सर, हिमांशु नाम है। हिमांशु हाँ बोलिए। हिमांशु सर यहाँ पे इंजीनियरिंग लैंग्वेज की इतनी आसान भाषा में बताते हैं कि आदमी सोच भी नहीं सकता है, जो जिस लेवल का यहाँ पे नॉलेज हमें दी जाती है इतनी सरल भाषा में कि आप उसे सोच भी नहीं सकते हैं। मोबाइल के हर एक छोटे छोटे कंपोनेंट रेजिस्टेंस, डायोड, कॉयल, थर्मिस्टर वगैरह जितने भी चीज़ें होती हैं बेसिक बेसिक नॉलेज की इतनी डीप जानकारी दी जाती है कि हर एक चीज़ की आप सोच नहीं सकते, इतनी बेहतरीन तरीका है आप बताने का। और आपने हैंड स्किल का काम भी किया है? यस सर। आज भी किया, कल भी किया, क्या रिजल्ट है उसका? बहुत बढ़िया सर,
मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी हम आई सी वॉल कर लेंगे, सी पी यू डबल डेकर वगैरह सारे किया मैंने। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। हाँ जी सर, मेरा नाम है उजय खाली, बूंदी राजस्थान से। हाँ उजय बाबा बताइए। दो दिन में बहुत कुछ सीखने को मिला था, और जो इंसान होंडा नहीं चलाना जानता था उसको बुलेट समाधि ला के, अच्छा तो वो भी चला ली, चला लिए वो भी। अब तो होंडा और ये सब वैसे ही लगती भाई। आईफोन की जो रिबोलिंग करवा दी तो बहुत खुशी हो रही है। क्या सर, सर यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। सर जब आए थे ये सोचा नहीं था कि हमें इतने ऊंचे लेवल पे जाएंगे। सर अब जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो हाई लेवल चला गया है। तो अभी बात करें आपसे, दो दिन की क्लास हुई है आपकी, है ना, आपकी 28 तारीख को और आज है 29 तारीख, है ना, दो दिन की क्लास हुई है। तो दो दिन की क्लास में जो पढ़ाया गया वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया तरीके से आया। कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो? नहीं। और जो आपको बताया गया हो टास्क, हैंड स्किल वाला टास्क जो दिया गया आपको, वो आपसे नहीं हुआ हो? नहीं सर ऐसा। बात करें पहले दिन की, बहुत बढ़िया रहा। बात करें सेकंड दिन की, बहुत बढ़िया, उससे भी बढ़िया रहा। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, बताइए नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार कहाँ से भाई? यूपी से। यूपी से, यूपी की जनता देख रही है आपको। हाँ, क्या बोलना चाहेंगे आप? आपके दो दिन की क्लास कैसी रही आपकी? सर बहुत बढ़िया रही, बहुत अच्छी रही सर। ऐसी कोई सी चीज़ जो आपसे मिस हुई हो? नहीं सर, कोई मिस नहीं। अच्छा, कंपोनेंट की बात करें तो? कंपोनेंट के बारे में यहाँ पे सर बहुत डीपली बताया जाता है, बहुत अच्छी तरह बताया जाता है। तो ये फोकोलॉजी होती है कि जो पीसीबी में जो वाकई में जो काम की चीज़ है वो बताते हैं यहाँ पे? कोई यूट्यूब वाला ज्ञान देते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, यूट्यूब पे जो मिलता हो, कंटेंट मिलता हो, वो यहाँ पे प्लेस होता है क्या? नहीं सर, नहीं सर, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बताया जा रहा है। अच्छा, मतलब ऑनलाइन पढ़ना, इस कोर्स को ऑनलाइन पढ़ना समझदारी है क्या? नहीं सर बिल्कुल, पढ़ा जा सकता है क्या ऑनलाइन? हाल से पूछा सर, अगर ऑनलाइन अगर कोई पैसा फीस भर रहा है और जाके पढ़ रहा है तो क्या कर रहा है वो? पैसे वेस्ट कर रहा है ना। रीजन क्या होता है? जब तुम्हारी क्लास होती है, जब क्लास में बैठते हो, 10 प्रकार के आपके कंफ्यूजन होते हैं, कंफ्यूजन के साथ आपको प्रैक्टिकल करके चेक करना होता है तो चेक करने में आप कई गलतियां करते हो, कई गलती के बाद टीचर से पूछते हो, तो वो चीज वहाँ पे ऑनलाइन हो सकती है क्या? ऑनलाइन खाली वीडियो देख के सीखा जा सकता है क्या? है ना, हैंड स्किल वाला काम है, पीछे एक ट्रेनर का होना जरूरी है कि नहीं है? जेनुइनली ट्रेनर का जरूरी है कि नहीं है? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, बताइए। शशि कहाँ से भाई? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से। कैसी रही क्लास आपकी? बहुत बढ़िया सर। शशि बताओ मेरे को, दो दिन की क्लास हुई, कोई चीज मिस है क्या आपकी? नहीं सर, जो बात करें कंपोनेंट की, बात करें रिवॉल्विंग की, डबल डेकर किया आपने, कॉन्फिडेंस? ये डबल डेकर किया भाई इन्होंने, कितनी बार किया आपने? तीन बार किया। अभी इसके ऊपर कोई सीपीयू है क्या बताओ तुम मेरे को? अभी इंडिया में एंड्रॉइड में इसके ऊपर सीपीयू है क्या कोई सर? तो हर चीज एंडलेस मिल रही कि नहीं मिल रही आपको? अभी आपको कोई गाइड करना पड़ रहा है क्या? मतलब कि आप अगर रिबोलिंग करें तो आपको आपके पीछे खड़ा रहना पड़ रहा है? नहीं सर, पहले दिन रहे थे खड़े, है ना, हमको आपको दिक्कत आई थी, हमने दिक्कत का समाधान करा, बाकी अब रहना पड़ रहा है क्या? नहीं सर। कोई भी सीपीयू तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तो आप ये प्रॉपर स्टेंसिल में कर रहे हो क्या? कि यूनिवर्सल में कर रहे हो, है ना, 250 की स्टेंसिल से सब कर रहे हैं ना? यस सर। कोई प्रॉपर स्टेंसिल से कर रहा है क्या? यस सर। दो दिन की बात करें आपसे तो, दो दिन की क्लास में अच्छे से सिखाया? अच्छे से सिखाया। बात करें कंपोनेंट की तो, कोई कंपोनेंट पेंडिंग है क्या तुम्हारा? पीसीबी में कोई सा भी कंपोनेंट अगर आपसे पूछे तो आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? पूरा बता। और बात करें अपन MMC रिवॉल्विंग की, CPU रिवॉल्विंग की, पावर रिवॉल्विंग की, तो कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं। किस लेवल तक आपने रिवॉल्विंग करी है बताइए आपने? आईफोन के CPU, आईफोन का CPU तक रिवॉल्व किया आपने? हाँ सर। सच बोल रहे हैं आप? हाँ सर। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, मोहम्मद दिल्ली से। जी आर मोहम्मद बताइए, दो दिन की क्लास क्या एक्सपीरियंस? सर बहुत बढ़िया लगा, पहले दिन ही CPU रिवॉल्व किया था मैंने। हाँ, और आज भी 5 बार मैंने CPU रिवॉल्व किया, उसमें आईफोन का भी CPU था, मुझे पता भी नहीं था। अच्छा, और बहुत बढ़िया से करा रिवॉल्व मैंने। तो कैसा फील कर रहे हो? बहुत बढ़िया सर। यहाँ के जो ट्रेनर है वो आपके साथ मेहनत कर रहे कि नहीं? हाँ सर। जो ट्रेनर है जो, तो अच्छे ट्रेनर का होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है सर। कभी आप डिमोटिवेट हुए क्या हमारी क्लास? नहीं। ऑल स्टूडेंट, कभी आप एक सेकंड के लिए भी डिमोटिवेट हुए क्या? नहीं सर। चलिए ठीक है, कल हमारी काय की क्लास है?
लाइव 4G है, 4G मोबाइल से पावर आईसी निकाल के लगा के चालू करने की क्लास है। तो कल भी रिव्यू दोगे आप? हाँ सर, यही यही दोगे रिव्यू? तो एक्चुअली यहाँ पे देवरतन सर थोरी पढ़ाते हैं, तो थोरी पढ़ाते पढ़ाते हमारा तो प्रैक्टिकल ही आधा हो जाता है वहीं पे। उसके बाद लैब में जो भी करते हैं तो इजीली कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला है। मैं कश्मीर से यहाँ आया हूँ, मैंने सोचा कि शायद पैसे ज़ाया मत होंगे, टाइम बर्बाद मत होगा, लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस इंस्टीट्यूट के यहाँ पे मौका मिल रहा है सीखने के लिए। मैंने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री ले रखी है, लेकिन मैं अधूरा लग रहा था, खुद को अधूरापन दिख रहा था, तो अभी माशाल्लाह ठीक लग रहा है सब कुछ। तो आपका जो डिसीजन था, कश्मीर से आए हो, बहुत दूर से आए हो, है ना, बहुत मुश्किलों से आए हो यहाँ पर, तो जो आपका डिसीजन था, तो वो डिसीजन आपको सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल सही था। अगर यहाँ नहीं आते और कोई ऑनलाइन कोर्स ले लेते तो क्या होता, बताइए? बेवकूफ़ी थी वो, ना समझी थी, पैसा बर्बाद करना था, पैसा बर्बाद करना था। बिल्कुल। बात करूँ दो दिन की, आपको हैंड स्किल में कोई दिक्कत? नहीं नहीं, मैंने आज CPU रिवॉल्व फिर से कर दिया, आईफोन का भी किया था, तो मैंने 7 बार कर दिया आज, ये तो आज कोई मसला नहीं लग रहा है। हमने काम किया क्या? नहीं नहीं, उसके सर्किट को समझाया क्या? है ना, उस पर हम काम नहीं कर रहे हैं ना, सिर्फ 4G एंड्रॉइड, 4G और प्लस 5G। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है भाई, आगे आ जाओ, बताइए जी, बोलिए, कैसा एक्सपीरियंस भाई 2 दिन का? बढ़िया एक्सपीरियंस है सर। बात करें कल की और बात करें आज की, कंपोनेंट आपके पूरे हुए कि नहीं हुए? सर। देव सर के साथ क्या क्या कैसी रहेगी क्लास आपको? बहुत बेस्ट रही, सारे कंपोनेंट आज आपके कंप्लीट हो गए। तो कंपोनेंट को लेके कोई नहीं सर प्रॉब्लम, इशू? नो प्रॉब्लम सर। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया है सर, इसे टेलीकॉम ज्वाइन करें जो भी आना चाहे। अच्छा, यहाँ के सर बहुत बेस्ट, बहुत अच्छे से बताते। तो जो सर वहाँ पढ़ाते हैं उसका प्रॉपर प्रैक्टिकल मिलता है? जी सर, प्रैक्टिकल मिलता है, मिलता है प्रॉपर, कोई दिक्कत तो नहीं होती? नो सर, जो काम वहाँ पर करते हैं यहाँ PCB में आके करते हो? हाँ जी सर। है ना, हमारी हमारी क्लास कितनी इनिंग में चलती है? 3 इनिंग होती है हमारी में चलती है। एक कब चलती है? सवेरे 8 से 11 फिर क्या होता है आधे घंटे का लंच ब्रेक होता है जी सर, और फिर 12 से किसकी क्लास शुरू होती है? कब तक चलती है? 4 बजे तक। 4 बजे से अभी तक, अभी कहाँ तक चल रही है क्लास आपकी? 8 बज रही है ना। तो कितने घंटे की क्लास होगी आपकी? 12 घंटे की। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, आगे आइए जी। सर मैं मुंबई से हूँ, मेरा नाम कृपेश है। मुंबई से कृपेश? कृपेश, मुंबई बहुत फास्ट सिटी है, बहुत पैसे वाली सिटी है। तुम जबलपुर में कैसे? सर यहाँ का जो टेक्निक है वो कहाँ भी सीखने नहीं मिला था। जो आपने लास्ट में जो निंजा ट्रिक बताया, जो सील पत्रा उतरने के बारे में, विदाउट एनी रिस्क हम सेफली उसका पत्रा निकाल सकते हैं, तो कोई रिस्क भी नहीं रहेगा मोबाइल डेड होने का वगैरह। ऐसे आपको कई ट्रिकें मिलती जाएगी, डे बाई डे मिलती जाएगी, जो आपने सोचा नहीं है वो मिलेगा आपको। यस सर। तो आपको ऐसा लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है? यस सर, बिल्कुल सच है। अभी कंपोनेंट की बात करें तो 2 दिन में कंपोनेंट सारे खत्म हो गए, आज आपका आखिरी दिन था, आखिरी समय था, तो अभी क्या पोजीशन है उसकी? सर सब आ रहा है सर। PCB में कोई सा भी कंपोनेंट दे दूँ तो आप बता देंगे आप मेरे को? क्या काम है, क्यों लगा हुआ है, कैसे लगा है, इसकी रीडिंग क्या क्या होनी चाहिए, क्या काम कर रहा है, पूरा बता देंगे आप? यस सर। विद रीडिंग के? विद रीडिंग सर। मल्टीमीटर पर रीडिंग लेके बता देंगे? यस सर। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, आइए। सर मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। हाँ शर्मा जी, सर मैं इस वीडियो के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ, अगर कोई भी भाई अगर ऑनलाइन करता है तो छोड़ दे, सीधा यहाँ है एशिया टेलीकॉम जबलपुर, वो भी बिना सोचे समझे, यहाँ जो भी आपको चाहिए यहाँ मिलेगा। ऑनलाइन में पैसे बर्बाद मत करो भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने ऑनलाइन किया है, इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, इधर सेमेस्टर खोलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उसी में दिन रात उलझे रहते हैं, बस यहाँ आइए सीखिए अच्छे से। थ्योरी वाला ज्ञान समझ में आता है कि प्रैक्टिकल वाला समझ में आता है? प्रैक्टिकल लाइव प्रैक्टिकल जरूरी है सर, बिना प्रैक्टिकल कोई फायदा नहीं है। अगर कोई ऑनलाइन आपको समझा रहा बैठा के वहाँ कुछ समझ में आएगा आपको? बात कर रहे हैं अपन 2 दिन की, तो 2 दिन में क्या क्या करा भाई आपने? 2 दिन में जितना भी काम हुआ सर, जितना भी फाइंड किया, जो भी हुआ है वो अच्छे से हुआ है, कंपोनेंट्स की जानकारी और साथ में पैरेलल में क्या चल रहा है आपके?
हैंड स्किल का काम, सवेरे 8 से 12 की जो क्लास चल रही है आपकी, सीपीयू रिवॉल्विंग, तो वो डन हुआ कि नहीं हुआ? यस सर डन हुआ, आईफोन का भी मैंने किया है। आईफोन का भी क्या जी? सही बोल रहे हैं ये? यस सर आईफोन का मैंने किया है और फर्स्ट टाइम किया है, इसके पहले मैंने किया था लेकिन खराब हो जाता था, लेकिन आज मैंने आपने समझाया भी है, सर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, देखो ऐसे करना हो गया है। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ और स्टूडेंट है, महाराष्ट्र से है, वफा खान, बोलिए। वफा जी सर, आज क्या नाम है, MMC कल कराए थे सर आपने, आज दिया था आपने CPU, वो भी डबल टेकर, और मुझे पता भी नहीं था कि सर ये क्या नाम है आईफोन का है, वो मैंने कर दिया, फिर आपने बताया कि आईफोन का है, तो सर बहुत अच्छा लगा करने के बाद में। इससे पहले भी करते थे पर सर नहीं होता था, अभी करते थे ना, बॉल टू बॉल बराबर एकदम परफेक्ट हो रहा है सर। और बात करें कंपोनेंट की, आपके हाँ। दो दिन में सारे कंपोनेंट आपके आज आपके फिनिश हो गए हैं। यस सर। तो कंपोनेंट के बारे में कोई एक्सक्यूजेस है क्या? नहीं नहीं नहीं, बाकी है एकदम क्लियर है सर, कोई भी नहीं है, जो थोड़ा बहुत वहाँ नहीं समझ में आता वो यहाँ प्रैक्टिकल में हो गया सर। वो ठीक है, देखो वहाँ पर समझाना भी जरूरी है, यहाँ प्रैक्टिकल भी जरूरी है, प्रैक्टिकल में सारी चीजें आपकी कवर हुई कि नहीं? यस सर, यस सर, 100% XYZ कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कंपोनेंट जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं हो, समझ नहीं हो, आप रीडिंग नहीं ले सकते हो? नहीं नहीं, सबका ले सकते सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, पूरी कंपोनेंट की नॉलेज नहीं है, थोड़ा आगे आओ। गुड्डू कुमार, यूपी से गुड्डू कुमार जी सर। हाँ गुड्डू बोलिए। मुझे कंपोनेंट के बारे में पूरे नॉलेज मिल गया आज, डबल डबल टेकर रिवाल किया है, सक्सेस हो गया, चार बार किया। अभी कोई दिक्कत है क्या? नहीं। रिबोलिंग की बात करें और कंपोनेंट की बात करें, रिबोलिंग की भी और कंपोनेंट की, दो घंटे थे हमारे रिबोलिंग और कंपोनेंट, है ना, दो दिन का हमारा सिलेबस क्या था, कंपोनेंट और रिबोलिंग। तो रिबोलिंग डन हुई कि नहीं हुई आपकी? डन हो गई। कंपोनेंट डन हुए कि नहीं हुए आपके? किसी भी में कोई भी कंपोनेंट दे दे तो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर देंगे। कॉन्फिडेंस? चलिए, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, हाँ शमशाद जी सर। कहाँ से भाई? बिहार से सर। बिहार से शमशाद, बताइए। आज सर कंपोनेंट की क्लास थी, इसमें कॉइल वगैरह बताया गया था, डायोड बताया गया, और अच्छी क्लास गई सर, और प्रैक्टिकल यहाँ पे आके किया हम लोग 4 घंटे सर। सब पूरे मदरबोर्ड में जो भी कंपोनेंट होगा हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा कहाँ पे लगा है, क्या काम करता है। ये बिहार वाले स्टूडेंट काफ़ी देख रहे हैं आपको, ऑनलाइन देख रहे हैं, तो इनको थोड़ा डाउट लगता है। हमारा नंबर है 7000731192। तो ये सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जेनुइन नंबर है कि नहीं है? जेनुइन नंबर है सर। जेनुइन नंबर है जी सर। इसका MD सर का है ये जी सर। जेनुइन नंबर है जी सर। और दूसरी बात ये है कि अगर उनको अगर सीखना चाहते हैं तो कितने घंटे यहाँ पे क्लास में रहना पड़ेगा? 12 घंटे सर। 12 घंटे अगर कोई अगर थोड़ा आलसी किस्म का इंसान है या सोने वाला इंसान है तो वो आ सकते हैं? नहीं सर, उन्हें आना चाहिए क्या? नहीं सर, नहीं सर, आना होगा तो सर पूरा यहाँ पे टाइम देने के लिए आना होगा, तो नहीं आने के लिए। डिसिप्लिन कितना है? डिसिप्लिन सर बहुत अच्छी डिसिप्लिन है सर, लेकिन डिसिप्लिन के साथ रहना पड़ेगा तभी तो कुछ सीखेंगे ना। तो यहाँ टीचरों को नॉलेज के साथ बहुत अच्छा सर, एक नंबर सर, कहीं पे नहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे डायरेक्ट है, अच्छा यहाँ पे पढ़ाया जाता है, नॉलेज अच्छा मिलती है। अभी दो दिन की क्लास हुई, दो दिन की क्लास में आपको कंपोनेंट और रिकॉलिंग बताया, तो अभी इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें सर कोई डाउट नहीं है सर। सर अभी पहले क्या था ना, अभी तो हम देख तक अभी तरी थोड़ा नहीं किए थे, डायरेक्ट बॉल बना रहे हैं, अच्छा अलग ही फील हो रहा है। अभी क्या कर रहे हो? अभी तो रिवॉल किया, सीपीयू रिवॉल किया। कौन सा सीपीयू रिवॉल किया? डबल डेकर का सीपीयू रिवॉल किया। डबल डेकर कौन सी एक्सटेंशन से किया है? यूनिवर्सल से किया। यूनिवर्सल से किया सर, सही बोल रहे हो भाई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, आ जाइए। मैं हूँ सर संतोष, महाराष्ट्र से। संतोष, हाँ बोलो संतोष। आज की और कल के कंपोनेंट की क्लास बहुत अच्छी हुई सर, और रिबॉलिंग की भी क्लास हुई सुबह सर, वो भी अच्छी हुई सर। तो संतोष कोई डाउट है क्या इसके अंदर? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। कोई सी भी PCB दे तो कंपोनेंट आप कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते सर, पहचान भी सकते, सब कर सकते सर। अच्छा बात करें इसके अंदर आपकी रिबॉलिंग की, तो रिबॉलिंग में कोई सी भी IC दूंगा आपको मैं, तो कोई दिक्कत है क्या उसके अंदर? कुछ नहीं सर, दिक्कत कोई दिक्कत कोई नहीं। कोई सी भी IC? आज कौन कौन सी IC रिवॉल किया? आज CPU डबल डेकर तीनों, और कल MMC की रिवॉलिंग की सर। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है सर, मैं MP से हूँ, सिवनी डिस्ट्रिक्ट से। हाँ बोलिए। मैंने पहली बार IC रिवॉल किया। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है लैंग्वेज के बारे में, मगर मैं जो भी कर रहा हूँ पहली बार कर रहा हूँ, और बहुत मेरे से हो पा रहा है, ये मुझे अपने आप में गर्व हो रहा है कि मैंने आपके थ्रू जो कि कर रहा हूँ,
और इसके पहले मैंने अभी तो किया नहीं था, फर्स्ट टाइम है ये मेरा, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ये आईसी डायरेक्ट लगा। और दो दिन से पहले तो मैं पीसीबी के पता नहीं था कि क्या क्या होता है, तो जो यहाँ आके दो दिन में जो पता हुआ, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, कॉइल, डायोड, ये सब चीज़ें मुझे पता होने लगी। और पीसीबी में मुझे सब नोटिस करना आने लगा कि कौन सा डायोड है, कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा क्या है, ये इतना तो मुझे पता हो गया दिल्ली में। और जो क्या वर्क करता है पीसीबी में, बाहर निकालने से क्या होता है, ये दोनों चीज़ें पता हो गई है मुझे। और इसके बाद जो 12 घंटे के जो बैठने का जो मतलब टाइमिंग है, वो कभी बैठता नहीं था मैं, फर्स्ट टाइम 12 घंटे दे पा रहा हूँ, और मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कि मेरे 12 घंटे कैसे जा रहे हैं। घर वालों को भी यकीन नहीं हो रहा अभी, है ना? हाँ। यार ये इंसान एक 12 घंटे कैसे एक जगह पर बैठ सकता है, बाकी और किसी भी ऐसी एक जगह है कि सब अच्छे अच्छे कुछ बना देते हैं। और किसी के थ्रू मतलब किसी के नीचे मैं 12 घंटे बैठ रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, वो भी आप जैसे बैठा रहे हैं।